आज का हमारा टॉपिक है जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट्स पे, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। Z is a complex number x plus iota y, in which x is a real part, x real part है और y हमारा imaginary part है। ये iota y imaginary part क्यों है? क्योंकि iota I small i is called iota -1 under root, iota की वैल्यू -1 under root है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल -9 under root पे आप कैलकुलेटर चलाओ तो आपका कैलकुलेटर मैथ एरर देगा, मतलब ये इमेजिनरी है। अगर मैं इस तरह से इसको कर लूँ -1 अंडर रूट इंटू -9 तो ये 3 अंडर रूट -1। 9 पे आप कैलकुलेटर चलाएंगे, 9 अंडर रूट 9 इक्वल्स टू 3 तो -1 अंडर रूट, इसको आयोटा लिख लीजिए 3 आयोटा। तो 3 आयोटा इज द स्क्वायर रूट ऑफ -9 अंडर रूट। तो ये इमेजिनरी हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स हैं, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे आप एक और चीज़ ऐड कर लीजिए, आयोटा स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। यह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद आ जाता है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ये रिप्रेजेंट होता है z, मैग्नीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ये मॉडुलस ऑफ z है। उसके बाद आर्गुमेंट बोलते हैं एंगल को। कॉम्प्लेक्स नंबर जो एंगल विद द एक्स एक्सिस बनाता है उसको आर्गुमेंट बोलते हैं, और वो आता है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर x। z मॉडुलस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पे देख लीजिए आयोटा नहीं इन्वॉल्व होगा, सिर्फ x और y ये दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, इनके स्क्वायर्स हैं और अंडर रूट में हैं। और अगर आप आर्गुमेंट फाइंड करना चाहते हैं ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि एंगल विद द एक्स एक्सिस, तो वो होगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर x। इसके बाद आ जाते हैं सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या एक्स वाई की फॉर्म में ही सिर्फ होता है? नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अदर टू फॉर्म्स हैं। सेकंड फॉर्म इज पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म z इक्वल्स टू r ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, मतलब आर जो है वो हमारा मॉडुलस ऑफ जेड के इक्वल हुआ। थीटा ऑलरेडी आपको पता है tan इनवर्स वाई ओवर एक्स है। r इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर x। सो if x and y given to you, तो you can change into the polar form। x किसके इक्वल आएगा? r cos थीटा। अगर आपको पोलर फॉर्म गिवन है और आप इसको एक्स वाई की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो एक्स आएगा आपका आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो बेसिक चीज़ हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एंड थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। अगर आपको कहता है कि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो आप मॉडुलस और थीटा फाइंड कर लें विद द हेल्प ऑफ एक्स एंड वाई। आर इक्वल्स टू जेड मॉडुलस, तो आर की वैल्यू यहाँ लिखिए और थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ पे आप थीटा की रेंज लिख लीजिए, थीटा इज ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू माइनस पाई टू पाई, रेडियंस में रहेगा। इसके बाद आ जाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है z इक्वल्स टू आर ई आयोटा थीटा। इफ the complex number is given in the form of x plus iota y, so you can change it into the exponential form. r आप find कर सकते हो x square plus y square under root करके, और थीटा आप find कर सकते हो tan inverse y over x करके। अगर आपको z in the form of exponential form given है और आप उसको x और y में convert करना चाहते हो तो यहाँ पे r और थीटा given है आपको, तो x r cos थीटा के इक्वल है और y इक्वल्स टू r sin थीटा। दीज आर द थ्री फॉर्म्स, पोलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड z इन द जनरल फॉर्म विच इज x प्लस आयोटा y कार्टेशियन फॉर्म। अब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं जी। लेट अस सपोज u इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3 आयोटा एंड v इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 5 माइनस 6 आयोटा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको ऐड करना है। u प्लस वी इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा ब्रैकेट प्लस 5 माइनस 6 आयोटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसके ब्रैकेट ओपन होगी और साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। प्रोसेस क्या है इसका? प्रोसेस ये है कि रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऑपरेट होगा। 2 प्लस 5 7 प्लस 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा इक्वल्स टू माइनस 3 आयोटा, u प्लस v। इसी तरीके से अगर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, u माइनस वी इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 5 माइनस 6 आयोटा, ब्रैकेट्स में इसको यूज़ करें। एक स्टेप इंक्रीज कर लें, ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपका ये साइन चेंज होगा। 2 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 9 आयोटा। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन इन दोनों में रियल पार्ट में ऐड होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऑपरेट होता है। अब करते हैं जी हम मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि आयोटा स्क्वायर मैंने आपको बताया था कि -1 के इक्वल है, ये ज़हन में रहना चाहिए। u इंटू वी 2 प्लस 3 आयोटा एंड 5 माइनस 6 आयोटा। जिस तरीके से हम अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, वही स्टेप हम करेंगे। 2 5s आर 10 माइनस 2 6 आर 12 आयोटा प्लस 3 5s are 15 iota minus 3 6s are 18 iota square। अब iota square की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे हम -1 वैल्यू रिप्लेस करते हैं। 10 माइनस 12 आयोटा प्लस 15 आयोटा इक्वल्स टू प्लस 3 आयोटा -18 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं रिप्लेस कर रहा हूँ -1, ये पॉजिटिव हो गया 18 + 18 विच इज इक्वल्स टू 28 + 3 आयोटा is the answer of the multiplication of the two complex numbers. अब आ जाता है जी मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन। डिवीजन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा y तो z कॉन्जुगेट स्टेरिक बनाइए इसके ऊपर, इसको हम कहते हैं z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू x - आयोटा y। अगर आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें तो ये z का कॉन्जुगेट आ जाएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आ जाएगा। z स्टेरिक इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ z। ये बहुत ज़रूरी है, डिवीजन में हम कॉन्जुगेट को यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेट अस सपोज ए कॉम्प्लेक्स नंबर u है 2 - 3 आयोटा और v है 1 - 2 आयोटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं अब आपको डिवीजन बताना चाहता हूँ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड कैसे होंगे। पहले मैंने आपको बता दिया है कि z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा y तो उसके इमेजिनरी पार्ट का अगर हम साइन चेंज कर दें तो z कॉन्जुगेट हमें मिल जाता है सिर्फ उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने से। यहाँ पे हमने ये वाला आइडिया कॉन्जुगेट वाला यूज़ करना है। u/v in the form of x + आयोटा y। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। u/v इक्वल्स टू 2 - 3 आयोटा / 1 - 2 आयोटा। यहाँ पे आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 1 + 2 आयोटा / 1 + 2 आयोटा। इसको रैशनलाइज बोलते हैं। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपको। अब ऊपर 2 - 3 आयोटा और 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे आ जाएगा 1 - 2 आयोटा एंड 1 + 2 आयोटा। आइडेंटिटी लग जाएगी a - b, a + b की, विच इज इक्वल्स टू a² - b²। तो यहाँ पे बच्चों a² - b² की आइडेंटिटी हमें हेल्प करेगी आयोटा स्क्वायर, जो कि आप जानते हो आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो ये हमारा आयोटा नीचे से एलिमिनेट हो जाएगा। a - b, a + b ये आइडेंटिटी लगाई है a² - b², 1² - 2 आयोटा स्क्वायर। ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 2 × 1 = 2, मल्टीप्लिकेशन जैसे पहले हमने की हुई है, + 4 आयोटा - 3 आयोटा - 3 × 2 = 6 आयोटा स्क्वायर over 1 - 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर दोनों तरफ वैल्यूज रिप्लेस कीजिए तो u/v इक्वल्स टू 2 + आयोटा - 6 × -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी ओवर 1 - 4 × -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे भी रिप्लेस कर दी। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपका आंसर आएगा +6 + 2 8 प्लस आयोटा ओवर वन माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5। तो ये आपकी फॉर्म आ गई 8/5 प्लस आयोटा ओवर 5 u/v in the form of x प्लस आयोटा y। ये आपकी फॉर्म आ गई। इट इज़ द डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम जब डिवाइड करते हैं तो हमने रैशनलाइजेशन का आइडिया यूज़ करना है ताकि डिनोमिनेटर से हम आयोटा को एलिमिनेट कर सकें। ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने, इसका ऑपोजिट साइन हो गया 1 - 2 आयोटा का 1 + 2 आयोटा। मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवीजन से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम थिंग इज मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड। लेकिन ये हमें हेल्प करेगी 2 - 3 आयोटा 1 + 2 आयोटा। ये हेल्प करेगी इस आयोटा को एलिमिनेट करने पे। आइडेंटिटी यूज करते हुए हमने आयोटा स्क्वायर लिया और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है जो कि रिप्लेस कर दी है हमने। और इस तरीके से डिनोमिनेटर से आयोटा एलिमिनेट हो गया और ये x + आयोटा y की फॉर्म में हमारा आंसर आ गया।